नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करेंगे कोरल ड्रा 17 की, यानी कोरल ड्रा 17 की। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कोरल ड्रा 12, 13, 14 या 15, 16, 17 इन सब में काम करने का तरीका लगभग एक ही जैसा है। तो आपके पास जो भी वर्जन है, आप इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी वर्जन में काम कर सकते हैं। दोस्तों कोरल ड्रा को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए वन बाई वन करके आ रही हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखें, ताकि आप कोरल ड्रा को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ सकें और आगे हर काम को बिल्कुल आसान तरीके से कर सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं कोरल ड्रा 17 की, और इस अध्याय में हम बात करेंगे सेप टूल के फ्लाई आउट में मौजूद इन तीन टूल के बारे में, जिसमें स्मूथ टूल, स्मीर टूल और ट्विरल टूल के बारे में। इसको प्रॉपर तरीके से समझने के लिए हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और इस रेक्टेंगल पर हम इसे समझेंगे। इसे हम किसी भी कलर में फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद हम इसका फ्लाई आउट का पहला टूल, एक्चुअली होता क्या है कि जितने भी टूल्स के राइट डाउन में ये ट्रायंगल दिया हुआ है, उस टूल के उनके बेसिक टूल के नाम से हम जानते हैं। जैसे इसका बेसिक टूल है सेप टूल, और ये ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं इसका बेसिक टूल है पिक टूल। बाकी इनसे जो रिलेटेड अंदर में जो टूल हैं उनको हम इस तरीके से बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए पिक टूल के अंदर के हम टूल्स को अगर जानना चाहते हैं तो हम ऐसे बोलेंगे पिक टूल के फ्लाई आउट में मौजूद टूल, जो हो सकते हैं या वो फ्री हैंड टूल हो सकते हैं और फ्री ट्रांसफार्म टूल हो सकते हैं। ये जो दोनों टूल है वो पिक टूल के फ्लाई आउट में है, ऐसा बोला जाएगा कोरल ड्रा के भाषा में। इसी प्रकार हम सेप टूल के फ्लाई आउट में मौजूद ये स्मूथ टूल के बारे में हम पहले सीखेंगे। ये बिल्कुल ही सिंपल टूल है। इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसके प्रॉपर्टी से हम इसका साइज जो है, जो राउंडनेस है, इसका साइज हम कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से कम करते चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हमने 0.5 रखा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं छोटा हो गया है। और स्मूथनेस का जो इसका रोल है वो होगा, यहाँ पर सिर्फ आपको क्लिक करके रखना होता है, कोई ड्रैग वगैरह नहीं करना है। जहाँ पर इस तरह से कांस्टेंट लाइन हो वहाँ पर इसको ये स्मूथ करेगा। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करके रखेंगे इस तरीके से ये स्मूथ कर देगा। यहाँ पर अगर हमें स्मूथ करना है, यहाँ पर क्लिक करके रखेंगे ये स्मूथ करेगा इस तरीके से। ये जो टाइमिंग है, जो क्लिक करके रख रहे हैं और जो एक फिक्स टाइमिंग में जो स्मूथ कर रहा है, उस टाइमिंग को हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी 21 है, हम मान लीजिए हम इसको बढ़ा देते हैं। यहाँ पर हमने करीब 71 के आसपास कर दिया। तब ये जो क्लिक करके रखेंगे इसका टाइम बढ़ जाएगा। आप देख सकते हैं कितना फास्ट हुआ है। इसी प्रकार अगर हम इसके टाइमिंग को कम कर देते हैं तो ये बहुत ही स्लो होगा। कंट्रोल जेड करते हैं, वापस लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके रखेंगे तो ये धीरे धीरे इस तरीके का स्मूथ कर रहा है, इस तरीके का। इस टूल का यही काम है कि कहीं पर भी कोई भी कॉर्नर्स अगर हम स्मूथ करना चाहते हैं तो हम इसको इस टूल से स्मूथ कर पाएंगे। इसके बाद का जो टूल है उसका नाम है स्मीर टूल। स्मीर टूल में क्या होता है कि हम इसको सेलेक्ट करने के बाद हम अगर बाहर से माउस के लेफ्ट बटन क्लिक करके ड्रैग करते हैं इस तरीके से, हम इसको पाएंगे इस तरीके का शेप बनेगा। इसके साइज को हम यहाँ से बड़ा छोटा करके मैनेज कर पाएंगे। यहाँ से ये बड़ा हो गया। अगर अब हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके का बनेगा। इसके प्रॉपर्टी में एक ये भी प्रॉपर्टी है, पॉइंटी स्मीर। आप इस पर क्लिक करते हैं तो अभी आपने जो इसका प्रभाव देखा स्मूथ स्मीर का था, अब जो है पॉइंटी स्मीर का देख सकते हैं। इस तरह से हम क्लिक करके अंदर की तरफ इस तरह से, और अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये इस तरीके से आएगा। तो आप इसका प्रभाव देख सकते हैं। इसके अंदर जो है यहाँ पर जो लास्ट में है ये थोड़ा सा स्मूथ होगा, आप ये देख सकते हैं। और इसके अंदर जो होगा बिल्कुल ये कॉर्नर बनेगा इस तरीके से। डिफरेंस इन दोनों टूल में। उसके बाद जो है इसकी जो गहराई है वो आप जो है यहां से आप मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए 80 था, आप इसको अगर कम करते हैं तो ये इसकी गहराई इस तरीके से कम हो जाएगी। और अगर आप इसको करते हैं तो आप इसको देख सकते हैं इस तरीके से। आप इसको अगर बढ़ाते हैं, मान लीजिए इसको अगर हम 100 पर कर देते हैं
90 समथिंग, तो आप देख सकते हैं कंट्रोल जेड करके हम पुरानी कंडीशन में लेते हैं। और सबसे पहले हम इस प्रॉपर्टी को देखते हैं, ये रहा और दूसरा ये रहा। उसी प्रकार अगर हम इसको अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं तो ये ऐसे देख सकते हैं और इस पर ऐसे देख सकते हैं। उसी प्रकार हम यहाँ से करते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो हम इसको इस तरीके से, कहीं पर भी अगर ड्राइंग में हमें इस प्रकार की अगर कोई खींचने की ज़रूरत है, इस प्रकार की अगर ड्राइंग में आवश्यकता पड़ रही है, तो हम इस टूल का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही बेहतर तरीके से काम करता है, आप ये देख सकते हैं। इस तरीके से काम करके आप बहुत ही इसका अच्छा आउटपुट ले सकते हैं अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग। हम कंट्रोल जेड करते हैं और पहली कंडीशन में आते हैं। इसके बाद है इस टूल के बाद ट्विरल टूल। इस टूल को क्लिक करने के बाद, ये भी बहुत ही प्यारा टूल है, आप इसका भी ये जो साइज़ है यहाँ से आप मेंटेन कर पाएंगे। इसको कम ज़्यादा करके आप यहाँ से देख सकते हैं साइज छोटा हो गया है। आप इसको क्लिक करके रखेंगे तो बहुत ही फास्टली डाउन होगा, इस तरीके से ये छोटा हो गया है। और इसको जो है क्लिक करके रखना होता है और ये ट्विस्ट करेगा। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक करके रखा और ये ऑटोमेटिकली इस तरह का ट्विस्ट कर दिया। आगे हमने इसी प्रकार किया, इस तरीके से आप देख सकते हैं ट्विस्ट कर दिया। इसकी प्रॉपर्टी में आप ये देख सकते हैं, ये इसका डायरेक्शन चेंज करेगा। आप यहाँ से जो डायरेक्शन देखें, अगर हम इसे क्लिक करते हैं तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन था। अगर हम इसको क्लिक करके अगर करते हैं तो आप इसका डायरेक्शन चेंज करके देख सकते हैं, इस तरीके से। इसको सिर्फ क्लिक करके रखना है, आपको कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ क्लिक करके रखेंगे तो ये अपने आप इसको ट्विस्ट करेगा। यहाँ पर जो ट्विस्ट का जो टाइमिंग है वो आप यहाँ से बढ़ा घटा करके आप देख सकते हैं। अगर यहाँ से टाइमिंग को बढ़ाते हैं तो ये बहुत ही फास्ट करेगा, देख सकते हैं उतना ही टाइम के अंदर ये कितना फास्ट किया। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये रिवर्स काम करेगा इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं। इस टाइप की हमें ड्राइंग में बहुत जगह ज़रूरत पड़ती है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ से अगर इसका साइज़ बढ़ा देते हैं, मान लीजिए इसको हमने बड़ा किया, 1 कर दिया, 1 इंच, तो ये 1 इंच में ट्विस्ट करेगा। हम इसको बिल्कुल लाइन पर रखते हुए हमने इस तरीके का किया और इसको फिर दोबारा से चेंज किया इसका एंगल और हमने इधर की तरफ कर दिया। तो इस तरीके का आप बहुत जगह ड्राइंग बना करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इससे आगे इस तरीके का, आगे फिर इसका रिवर्स, तो इस तरीके का ड्राइंग बना करके आप बहुत इजीली कर सकते हैं। यही चीज़ें जो पहले के वर्जन में हुआ करती थी, जब सॉफ्टवेयर के फैसिलिटीज़ में, सॉफ्टवेयर के अंदर ये फैसिलिटीज़ नहीं थी कोरल ड्रॉ में, तो इसी वर्क को करने के लिए हमें बहुत सारे वर्क करने पड़ते थे, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन जब से कोरल ड्रॉ में ये सारे टूल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं तब से ये काम करने के लिए बहुत ही ईजी हो गया है। तो इस समय आपको काम करना बहुत ही ईजी है कोरल ड्रॉ में, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, सभी टूल्स को समझने की ज़रूरत है, बाकी कोरल ड्रॉ बहुत ही इजी हो जाएगा। आप हमारी आ रही हर वीडियो को ध्यान से देखें। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही कम दिनों के अंदर आप एक बहुत ही बेहतर ग्राफिक डिजाइनर बन सकेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि सेफ टूल के फ्लाई आउट में मौजूद ये तीनों टूल आपके समझ में आ चुके होंगे। हम अगले अध्याय में इन चारों टूल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप की कंप्लीट ट्यूटोरियल हमारी तरफ से आ रही है, जिसे आप देख करके कंप्लीट ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते अगले अध्याय में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।